चार बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। पीलीभीत के दौरे पर गई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मेनका गांधी को सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें पीलीभीत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मेनका को दिल्ली लाया जा रहा है। मेनका गांधी अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आई थी और अचानक से वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, हुआ क्या, कैसे तबीयत बिगड़ गई, अब क्या स्थिति है, क्या कहा डॉक्टर्स ने, कब दिल्ली लाया जा रहा है? देखिए सईद, तकरीबन 2 घंटे पहले जब वो एक टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने उसी अस्पताल में आई थी, जिला अस्पताल, उसी वक्त अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और डॉक्टरों ने वहीं उसी अस्पताल के इमरजेंसी में पहले उन्हें एडमिट किया और उसके पास के एक कमरे में उन्हें शिफ्ट किया गया है, जहां पर फिलहाल कोई गंभीर बात तो नहीं है। देखिए, इन्हें अभी शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेदांता से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहां इन्हें मेदांता शिफ्ट किया जाएगा, बकायदा वहाँ हेलीपैड बनाया जा रहा है और वहां से इन्हें सीधे दिल्ली ले जाया जाएगा। फिलहाल उनकी स्थिति इस तरह बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने क्या कहा अभिषेक? देखिए, जो डीएम है वो निकल कर आई, उन्होंने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि उनकी पूरी जांच की गई है और उसमें उन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हुई, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है, लेकिन आगे की जो ट्रीटमेंट है, आगे का जो इलाज है, बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। क्या डॉक्टर्स ने बताया, मेनका होशो हवास में है, बात कर रही है, कैसी तबीयत है, क्या अब वो सांस लेने की जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई है, क्या एहतियातन उन्हें लाया जा रहा है और क्या जानकारी अभिषेक मिल पाई? देखिए सईद, डॉक्टर की तरफ से कोई बुलेटिन ऐसा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो पीलीभीत की डीएम है वो बाहर निकल कर आई है, उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने बताया है कि इनके तमाम टेस्ट किए गए हैं, ब्लड सैंपल लिया गया है, अल्ट्रासाउंड किया गया है और जो अभी उन्हें समस्या निकल कर आई है, खुद डीएम ने बताया है कि इन्हें स्टोन की समस्या है, लेकिन स्टोन की वजह से एक सेकंड आपको रोक रहे हैं क्योंकि कलेक्टर क्या कह रही है, पहले सुन लेते हैं। माननीय सांसद जी द्वारा मीटिंग के बाद थोड़ा एब्डोमिनल रीजन में पेन की शिकायत की गई, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो अल्ट्रासाउंड भी हो गया है, ईसीजी भी हो गई है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं प्रतीत होती। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि स्टोन की प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड में, तो हम लोग एयर इवैक्यूएट कर रहे हैं, सभी हॉस्पिटल से दिल्ली में टाइप हो गया है, बरेली में एयरफोर्स स्टेशन से टाइप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज कम्प्लीटली स्टेबल एंड शी विल बी परफेक्टली फाइन। कहाँ भेजा जा रहा है, कैसे भेजा? दिल्ली में मेदांता के लिए उनको बाय हेलीकॉप्टर इवैक्यूएट कर।